हे गाइस, दिस इज काशिफ असलम फ्रॉम काशीज़। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे तमाम फैंस के लिए, फॉलोअर्स के लिए, जिनका मेरी वीडियोस का इंतज़ार रहता है। और आज की वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ मेरे अपने एक स्पेशल फ़ैन की रिक्वेस्ट की वजह से, जिसने मुझे स्पेशली कहा था कि मैं किस तरह से अपने ब्राइडल बुटीक के ड्रेसेस डिज़ाइन करता हूँ, किस तरह से ज्वेलरी बनाता हूँ, तो एक ऐसी कोई कंप्लीट वीडियोस बनाएं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपने काशीज़ ब्राइडल बुटीक के हवाले से और ज्वेलरी के हवाले से दे सकूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं एक खूबसूरत सी इलस्ट्रेशन बना रहा हूँ, और मोस्टली ऐसा ही होता है कि मेरे दिमाग में कोई सभी आइडिया होता है, कोई भी इमेज होती है ड्रेस की, डिज़ाइनिंग की, और किसी भी किस्म की उसमें उसमें कलर्स के हवाले से, उसमें थीम, उसमें एम्ब्रॉयडरी की एम्बेलिशमेंट हो, उसमें एप्लिक हो, तो सबसे पहले मैं इस तरह की पूरी ओवरऑल जो है इलस्ट्रेशन बना रहा होता हूँ। और उसके बाद जो है मुझे अपनी टीम को कन्विंस करना, उनको बताना, उसमें फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद जो है एक लेंथी प्रोसेस जो पूरा एम्ब्रॉयडरी का और स्टिचिंग का, वो तमाम चीज़ें करने के बाद जो है ये ड्रेस जो है ऑलमोस्ट इसमें 10 से 15 दिन लगते हैं इसको कंप्लीट होने में। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस पूरा बन चुका है। इसके बिहाइंड द सीन भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं, काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन जितने भी आप मोस्टली मेरे ड्रेसेस देखते हैं कि मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस की इलस्ट्रेशन है, तो मुझे बहुत आसानी रहती है। इसके बाद काशी ज्वेलरी के हवाले से भी सेम इसी तरह का ही प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं ज्वेलरी की भी इलस्ट्रेशन कर रहा होता हूँ। और एक बात मैं आपको ख़ास बताऊं कि ज्वेलरी भी एक बहुत ही जो है लंबा एक प्रोसेस होता है, बहुत ही मेहनत होती है इसमें। जिस तरह से ड्रेसेस में होता है, आई थिंक ज्वेलरी में मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने पूरी इलस्ट्रेशन बनाने की सबसे पहले पेंसिल स्केच किया, फिर उसके बाद जो है ओवरऑल जो है जो मेरे माइंड में कलर्स होते हैं उस हिसाब से मैं पूरा ओवरऑल जो है इसको सेट कर रहा होता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें गोल्ड है, इसमें फुशिया पिंक है, इसमें एंटीक कलर है, और इसमें बीट्स वगैरह तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट जो मैंने इस ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है ओवरऑल पूरे सेट को डिज़ाइन किया है। तो इसमें जितने भी कलर्स आप देख रहे हैं, इसके बाद जो है ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद एक लॉन्ग प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इस वीडियो में मैं तमाम चीज़ें आपको खैर नहीं दिखा सकता, प्रीवियस वीडियोस कुछ होंगी मेरे यूट्यूब चैनल वगैरह में जहां पर आपको ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस भी ज्वेलरी का मिल जाएगा। बहरहाल इस पूरे सेट की जो है इलस्ट्रेशन के बाद जो है एक लंबा प्रोसेस होता है, पूरी इसकी आरपी बनती है, पूरी इसकी डाई बनती है, और उसके बाद जो है एक लंबे प्रोसेस के बाद अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है पूरा ओवरऑल सेट को, इसके पूरे जो पीसेज हैं वो बन चुके हैं एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद। फिर मैं इसको ओवरऑल जिस तरह से मेरी इलस्ट्रेशन थी उसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। और एक एक डिज़ाइन जिस तरह से मैंने उस इलस्ट्रेशन में बनाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के साइज़ के हिसाब से ये ओवरऑल पूरा आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेट हो चुका है। इसके बाद भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जिसके बाद जो है ओवरऑल जो है ज्वेलरी जो है बनती है। इसके बाद एक प्रोसेस ये होता है, एक तो इसका झलाई का होता है यानी इसकी अटैचमेंट होती है, फिर उसके बाद जो है फिर इसकी पॉलिश होती है, फिर उसके बाद इसके स्टोन्स वगैरह की अटैचमेंट होती है। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें जो है बस आपको बता सकता हूँ, बाकी कंप्लीट जो है आपको मेरे चैनल्स पर मिल जाएंगी। फाइनली जो लास्ट प्रोसेस होता है वो आप देख सकते हैं कि वो बीट्स की जो बंदाई है उसका होता है, और ये भी पहले हाथ से सारे बीट्स बनते हैं और उसके बाद जो है इसकी ओवरऑल इस तरह की जो है एक लुक आती है। और आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ जो है मैंने इसकी माथा पट्टी भी बनाई है और इसके इयररिंग्स भी, वो तमाम पीसेस जो हैं ऑलरेडी जो इसके नेकलेस में हैं सेम उसी तरह की ही जो है पीसेस हैं। मैंने ओवरऑल इसके माथा पट्टी की और इसके नेकलेस की डिज़ाइन की है, और बहुत ही जैसा मैंने सोचा था, मुझे ये सेट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगा है। और जिस तरह का ये ओबियसली ये वीडियो में नज़र आ रहा है, ये उससे
कई गुना सामने दिखने में खूबसूरत लग रहा होता है। ये इस वजह से नहीं कह रहा कि ये मैंने खुद डिज़ाइन किया, खुद बनाया है, लेकिन इसमें बहुत ऑब्वियसली सेट पहनने के बाद, वेयर करने के बाद ही ये इतना खूबसूरत लग रहा होता है। और सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने ड्रेस बनाया है और ज्वेलरी, अगर आप ऑब्वियसली आप ख़ुद भी अगर मेरे आउटलेट पर आएंगे तो सिर्फ और ड्रेस और ज्वेलरी को अगर पहनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे ही आप